हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आपको पता है इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी जल्द रेडमी नोट 14 प्रो प्लस स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और इस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप बाद में जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दोनों स्मार्टफोन का कंपेरिजन करने वाले हैं। आई मीन रेडमी नोट 13 प्रो प्लस और रेडमी नोट 14 प्रो प्लस स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ डिफरेंसेज देखने को मिलेंगे। बट वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, एंड ऑफकोर्स गाइज चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो डिजाइन डेफिनेटली गाइस इस बार Redmi Note 14 Pro Plus स्मार्टफोन में काफी इंप्रूव किया गया है, काफी प्रीमियम फील आपको होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों स्मार्टफोन में ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज फ्रेंड्स दोनों स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम के साथ देखने को मिल जाते हैं और Redmi Note 14 Pro Plus स्मार्टफोन में आपको Corning Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर स्लाइट आपको बेटर देखने को मिल जाएगी, बिकॉज Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन के साथ Corning Gorilla Glass Victus प्रोडक्शन आती है। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो गाइज, Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में लास्ट टाइम हमें 6.67 इंचेस का एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 3D कर्व्ड एमलेड पैनल देखने को मिला था, जहां पर गाइज 12 बिट कलर्स HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी दिया गया था और इसमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बाकी पीक ब्राइटनेस 1800 नीट्स की दी गई थी और 120 हर्ट्ज की हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, Redmi Note 14 Pro Plus स्मार्टफोन में आपको 6.78 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा और यहां पर बाकी फीचर आपको सेम ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन स्मार्टफोन में ब्राइटनेस इस बार आपको 2500 नीट्स की देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो लास्ट टाइम हमें Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिला था, जो कि गाइस 4nm फैब्रिकेशन पर आता है और इसके अंतु स्कोर्स की बात करें तो ये हमें 8 लाख के आसपास देखने को मिल जाते हैं। और इस बार फ्रेंड्स, आपको MediaTek Dimensity 7350 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और यह चिपसेट के अंतु स्कोर्स भी आपको 8-9 लाख के आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो परफॉर्मेंस में आपको कोई मेजर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स दोनों स्मार्टफोन आपको LPDDR4X RAM UFS 3.1 स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोनों स्मार्टफोन में आउट द बॉक्स एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, Redmi Note 14 Pro Plus स्मार्टफोन में आपको इस बार 3 साल के मेजर OS अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और गाइस, कैमरा के बारे में बात करें तो Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में लास्ट टाइम हमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिला था, जो कि OIS के साथ आता है और कैमरा क्वालिटी यहां पर डिसेंट देखने को मिल जाती है। बाकी 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का यूजलेस सेंसर भी दिया गया था और स्मार्टफोन में 4K 30fps मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार आपको Redmi Note 14 Pro Plus स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा और यहां पर गाइस सोनी का सेंसर रहने वाला है, जो कि OIS के साथ आएगा, तो कैमरा क्वालिटी में डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी फ्रेंड्स, स्मार्टफोन में भी 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का यूजलेस सेंसर आता है और यहां पर भी आपको 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी फ्रंट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा दिया गया है। और दोस्तों, बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में लास्ट टाइम 5000mAh की बड़ी बैटरी और 120 वोल्ट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया था, जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन है, बैटरी बैकअप डिसेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, Redmi Note 14 Pro Plus स्मार्टफोन के साथ इस बार आपको 5500mAh की काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, तो बैटरी बैकअप अच्छा खासा रहने वाला है। लेकिन यहां पर चार्जिंग के लिए 90 वोल्ट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का इस बार सपोर्ट दिया जाएगा, तो चार्जिंग में आपको स्लाइड डाउनग्रेड देखने को मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन भी काफी बढ़िया रहने वाला है। ओवरऑल गाइस, कंक्लूजन की बात करें तो काफी सिंपल है, इस बार आपको दोनों स्मार्टफोन में कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। सो आई गेस आपको Redmi Note 13 से Redmi Note 14 Pro Plus स्मार्टफोन पर अपग्रेड नहीं करना चाहिए। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपको लुक्स वगैरह ज्यादा मैटर करती है तो डेफिनेटली गाइस Redmi Note 14 Pro Plus स्मार्टफोन काफी बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। बाकी फ्रेंड्स, यहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। सो फिलहाल दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी Redmi Note 13 एंड Redmi Note 14 Pro Plus स्मार्टफोन के रिगार्डिंग। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, एंड ऑफकोर्स गाइज चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।